तो गाइस हम लोग अभी आ गए हैं रिवर फ्रंट में, जो कि लखनऊ में है। प्लान कैंसिल हो जाता ना तो ये वाला वेदर देखने को ना मिलता मस्त। अभी हम लोगों का इरादा ये है, पहले तो यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे। तो गाइस फाइनली हमारा ये जो बन रहा था लपेटुआ जिसको कहते हैं बन गया है, और इसके साथ भाई हरी चटनी और मीठी वाली सॉस। Hey guys, good morning, welcome back to our channel, प्रिया सुशील वर्मा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि गाइज आज है संडे और आराम से हम लोग आज के दिन सोकर उठते हैं, उसके बाद काम को शुरू करते हैं। तो गाइज मैं फिलहाल सोकर उठ गई हूँ, तो अब चलते हैं किचन में। आज ना मैं कुछ स्पेशल ट्राई करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में खाने के लिए, और साथ ही साथ संडे तो सोच रहे हैं थोड़ा सा फंडे कर लेते हैं, तो कहीं घूमने भी हम लोग जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं ये जानने के लिए हमारे ब्लॉग में आगे तक बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको पता है, ये देखिए दो महान लोग उठ चुके हैं और इनकी शैतानियां चालू हो चुकी हैं। गाइज ऐसे हम लोगों की संडे की सुबह होती है, काफी अच्छा लगता है जब हम लोग घर पे रहते हैं और थोड़ा लेट हम लोग सो के उठते हैं, उससे ये होता है ना नींद बहुत अच्छी पूरी हो जाती है। आज मैं ना कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ आपके लिए ब्रेकफास्ट में, तो क्या आप मेरा एक्सपेरिमेंट बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या चीज़? थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके कुछ हेल्दी बनाना चाहती हूँ। और गाइज मैं करने वाली हूँ खाने में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके मैं बनाऊंगी कुछ हेल्दी सा। चलिए फिर चलते हैं फटाक से किचन में। और गाइस प्रिया कह रही थी ये बनाने के लिए, भाई ये बन रहा है। इसको आटे में लपेट के आलू को स्प्रिंग रोल की तरह भाई कुछ ऐसा बन के निकलेगा, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। अब खा के देखते हैं भाई कैसा लगता है। और इधर हमारी गर्मा गर्म चाय बनने के लिए तैयार है, और देखते हैं भाई कैसा लगता है। मैं बता दूंगा, इस बज रहे हैं दोपहर के 11, सुबह के 11 कह सकते हैं। तुम लोगों को गए लेट, तुम लोग सोच रहे थोड़ा हेल्दी नाश्ता कर लें ताकि फिर डायरेक्ट ब्रंच करेंगे। बनाने में गए 1 घंटा लग गया है। A few moments later. तो गाइस फाइनली हमारा ये जो बन रहा था लपेटुआ जिसको कहते हैं बन गया है, और इसके साथ भाई हरी चटनी और मीठी वाली सॉस और चाय तो हमारी फेवरेट भाई, और ये सो के उड़ चुकी हैं। तो चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं तगड़ा सा, और उसी भी इधर भाई खेल रही है, वो खेलने देते हैं। अभी दांत निकालो बेटा, तुमको भी खाने को मिलेगा। तो चलते हैं भाई एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। मजा भाई, इसका कोई जवाब नहीं है। गाइस सच बताओ ना, स्प्रिंग रोल को भी फेल कर दिया इसने। एक बार मैंने इनके लिए बनाया था कटलेट ब्रेड वाला, उससे अच्छा है कि उससे ऊपर है, उससे थोड़ा ऊपर है, क्योंकि आज ना इसमें चार मसाला भी पड़ा हुआ है। तो ठीक है गाइस खा लेते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा फिर मजा नहीं आएगा यार, इतनी मेहनत से बनाया है। A few moments later. तो गाइस फाइनली मैं नहा धो के तैयार हो गया भाई, और घर का सारा काम निपटा दिया, एकदम साफ सुथरा कर दिया हर चीज को, क्योंकि भैया एक हफ्ते में ना इतना ज्यादा गंदगी हो जाती है, कभी बिस्तर पे कपड़े पड़े हैं, कभी फिलहाल मेरी पैंट उतरी है धुलनी है, उसको धुल लेंगे। और आज हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए, क्योंकि इसी भी नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गए भाई, कपड़े वपड़े पहन के इंतजार कर रही है घूमने जाने के लिए। ये देखिए सिवी कहाँ जाएगी भाई, जाऊंगी कहीं ना कहीं तो जाऊंगी। और गाइस मैं सोच रहा ना आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है भाई, तो आज कहीं जाने का मन नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मैच है, तो भाई घर पे रहकर एंजॉय करने मन है, लेकिन बीबी बच्चों की भी फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। और हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होने से पहले आइए आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू हो गया है ये, और मौसम देखिए भाई एकदम तगड़ा वाला भाई, एकदम मस्त। 2 hours later. Guys, शाम हो गई है भाई, और मैच की ताजा हालात ये है कि सुमन गिल और रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं कोहली भाई साहब आ गए हैं पिच पे, अब तहलका मचने वाला इसभी, और सी भी तैयार हो गई है कैरियर बैग के अंदर, और ये रास्ते बी का जूता भाई, प्यारा सा सैंडल पहन लो, ये भी तो पहनना बेटा। नहीं वो नहीं पहन रही, तो लटक के रहना तुम। तो चलते हैं गाइस हम लोग भाई बाहर घूम के आते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद चीयर अप करते हैं इंडिया के लिए कि इंडिया जीते, है ना? बल्ले बल्ले शाबाश, चलो भाई। तो गाइज हम लोग अभी आ गए हैं रिवर फ्रंट में, जो कि लखनऊ में है। यहाँ का व्यू काफी अच्छा है, क्योंकि ऐसा है ना कि यहाँ बीच में पानी है और चारों तरफ ना बहुत ही अच्छी सी लाइटिंग है, जो कि फ्लाईओवर है पुल कह सकते हैं, और काफी लोग यहाँ शाम के टाइम में आते हैं इंजॉय करने के लिए, और बहुत अच्छा मौसम है, मतलब पूरे रास्ते को इतना इंजॉय करते हुए आए ना हम लोग कि बता नहीं सकते। और उससे भी ज्यादा जो इंजॉय किया वो हमारी छोटी बेटी ने इंजॉय किया है,
ये हर एक बाइक को देख के ना आवाज कर रही थी, बाइक वाले सोच रहे थे कि क्या बोल रहे हैं छोटा सा बच्चा। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहेंगे गाइस, ये गोमती नदी, इधर है फ्लाईओवर भाई, ये तो बस जा रही है, और एक इधर है, पहले लाइटिंग देखिए खतरनाक वाली है, मस्त ना, अच्छा व्यू आ रहा है गाइस। इधर का मौसम देखो भाई, क्या नज़ारा है यार, ऐसा अगर व्यू देखने को मिले ना। आज तो मैं दिन में वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए अच्छा लग रहा है, बाकी टाइम तो नाइट में या मॉर्निंग में शूट होती है, लेकिन जो मौसम है भाई ये वाला तगड़ा वाला, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। और जो नज़ारा इधर का है भाई, ये देखिए सीधा सामने आईनॉक्स। तो अभी हम लोग का इरादा ये है, पहले तो यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे थोड़ा सा, ये जो ऑफिस वाला रूटीन है ना मंडे टू सैटरडे, उसको यहाँ पर हील करके वापस कल के लिए तैयार होंगे, और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान होता है। बट अभी की अगर बात करूँ ना तो बहुत अच्छा, और हम लोग का पोपट होते होते बचा क्योंकि हम लोग नहीं आने वाले थे, जैसे ही निकले वैसे बारिश होने लगी थी, बट स्टिल बारिश थोड़ी बहुत हो रही थी, तो हस्बैंड ने कहा बूंदाबांदी हो रही है चलो चलते हैं, अगर तेज हो जाएगी तो वापस हो जाएंगे, नहीं तेज होगी तो फिर भाई अच्छा वो प्लान कैंसिल नहीं किया, अगर प्लान कैंसिल हो जाता ना तो ये वाला बेदर देखने को ना मिलता मस्त। उधर कोई मोटो ब्लॉक कर रहा भाई, वाओ सीबी कैसा लग रहा है, सीबी ने खूब एंजॉय किया, ये क्या हो गया। तो ठीक है थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे कहीं और, ब्लॉग बने रहिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। और हमारी गुलाबों के बाल में वाइट देखो क्या लगा दिया गाइस, सही तुम्हें मालूम है क्या लगा हुआ है यहाँ पे, क्या दो फूल लगा है पापा, मधुबाला बनी हूँ मैं। और गाइस पता है यहाँ पर चल रही है म्यूजिक, लाइव म्यूजिक वहाँ पे, यहाँ पे गाइस हो गई है शाम, और भाई नज़ारा देखिए एकदम मस्त वाला, कोई एंजॉय करे या ना करे, ये सिबी और सिबी की मम्मी दोनों लोग खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए क्या कर रहा है लड़का, पार्क घूमने आई है। ये कह रही है ना कि हमको इधर छोड़ दो, लोट लोट के सारे फूल उठा ले, फूल दिख रहे ना ये बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई, इसीलिए सिबी को खेलना है, इनको देखो इनको देखो क्या, ये क्या है, ये क्या हो रहा है। चलो भाई चलते हैं घर, शाम हो गई है गाइस, हस्बैंड कह रहे हैं ना यही सब करना था तुम लोगों को, तो ये सब तो तुम लोग घर पे भी करते हो, तो भाई बाहर निकल के और क्या करेंगे, तो वही ना शुशु पोटी घर पे भी जाते हैं, शुशु पोटी बाहर भी जाएंगे ना सिबी। कैसे आ रही है, बढ़िया आ रही। तो उठिए गाइस बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, अब निकलते हैं घर की तरफ, घर की तरफ। ठीक है तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई एंजॉय करके आज सिबी के साथ, संडे बहुत अच्छा रहा, अब चलते हैं कहीं और। पापा फाइनली वी आर बैक टू आवर होम, और कल से अपने वही पुराने ऑफिस घर वाला चक्कर।